हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आपके साथ आज एक घरेलू ब्लीच लेकर आई हूँ जो आप घर पर ही बना सकते हैं, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है उस ब्लीच का। और आप ज़रूर करके देखिएगा, और आप करेंगे तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि कमेंट बॉक्स में आपको वो ब्लीच कैसी लगी। तो मैं ब्लीच बना रही हूँ बिल्कुल घर वाली चीज़ों से ही, और कॉफ़ी ब्लीच है वो, कॉफ़ी से ही बनेगी। तो देखिए उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, मैं आपको दिखाती हूँ चीज़ें सारी। देखिए, कॉफ़ी ब्लीच बनाने के लिए मैंने एक पाउच कॉफ़ी लिया है, कम से कम एक चम्मच होनी चाहिए, जिसमें कॉफ़ी की एक चम्मच होनी चाहिए। और एक नींबू चाहिए हमें, आधा चम्मच नींबू डालेंगे उसके अंदर, और साथ में आधा चम्मच हम दही लेंगे, और साथ में उसमें डलेगा आधा चम्मच एलोवेरा जेल, और थोड़ा सा गुलाब जल, और थोड़ा सा नारियल का तेल। तो ये सब चीज़ें हमें चाहिए, तो मैं आपको दिखाती हूँ। और इन सब चीज़ों को मिक्स करके हम एक कॉफ़ी की ब्लीच तैयार करेंगे। तो चलिए अभी आपको दिखाती हूँ कि कैसे बनाएंगे हम इसे। और ये देखिए, ये चीज़ें हमें चाहिए। बाउल में हम बनाएंगे, कांच वाले बाउल में ही बनाना, अपने स्टील के बाउल में नहीं बनाना इस ब्लीच को। और देखिए, ये एलोवेरा जेल चाहिए, कॉफ़ी और थोड़ा सा नारियल का तेल, और नींबू, आधा चम्मच नींबू लगेगा इसमें, और आधा चम्मच ही दही लगेगा, और थोड़ा सा गुलाब जल डालेंगे इसमें। तो सबसे पहले एक कांच के बाउल में हम कॉफ़ी को निकाल लेंगे इस तरीके से, देखिए। और आप अपने फेस के अकॉर्डिंग लें तो एक चम्मच ही होती है एक पाउच में, और इसमें जो है एक चम्मच भर के हम दही डालेंगे, पूरा एक चम्मच भर के डालना हमने। और फिर इसके अंदर एक चम्मच जो है एलोवेरा जेल डालेंगे हम। और देखिए, इसमें हम थोड़ी सी एलोवेरा जेल डाल रहे हैं। आप ज़्यादातर रेडीमेड ही लीजिए, अगर ना हो तो आप घरेलू जेल यूज़ कर सकते हैं, पर फेस के लिए ना मार्केट की जेल यूज़ कीजिए, नहीं तो एलर्जी हो जाती है घर वाली जेल से। और देखिए, इसमें थोड़ा सा ही हम ऑयल डालेंगे, आधे चम्मच से भी कम, कम से कम 4-5 बूंदे, और आधा चम्मच हम इसमें नींबू का रस भी लेंगे, सिर्फ आधा चम्मच ही लेना है नींबू का रस, ज़्यादा नहीं डालना। और थोड़ा सा इसमें मैं डालूँगी गुलाब जल, और अभी इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करके एक पेस्ट तैयार कर लेंगे, तो चलिए मैं आपको मिक्स करके दिखाती हूँ। और देखिए, मैंने सब चीज़ें डालकर इस तरीके से बना ली, और दही इसमें फट जाता है, वही ब्लीच का काम करेगा आपका। और आप घर का दही ले तो ज़्यादा अच्छा है, ये मैंने मार्केट का लिया है ना, थोड़ा सा फट गया है, तो घर का दही आपका फटेगा नहीं। दही थोड़ा सा खट्टा होना चाहिए इसमें, मार्केट का दही आपको पता है खट्टा नहीं होता ना, वो भी मेरे पास था नहीं, तो मैंने मार्केट का लिया है, तो थोड़ा सा वो फट गया है, तो आप खट्टा दही लें थोड़ा सा घर का ही। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। और सबसे पहले हम चेहरे को अपने साफ करेंगे, चेहरे पर कोई मेकअप वगैरह नहीं होना चाहिए, अच्छे से गीले कपड़े से। मेरा फेस वैसे साफ ही है, अभी मैंने कुछ नहीं लगाया था। अच्छे से साफ करके इस ब्लीच को हमने 15 से 20 मिनट अपने फेस पर लगा के रखना है, जैसे आप मार्केट की ब्लीच लगाते हैं। और कई लोगों को एलर्जी होती है ना जैसे मार्केट की ब्लीच से, तो आप इस ब्लीच का यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा इसका। और नारियल का तेल भी आपने ज़्यादा नहीं डालना, जिसकी ऑयली स्किन है तो बिल्कुल एक दो बूंद ही डालें, क्योंकि मेरी ऑयली है तो मैंने कम ही डाला है। और ड्राई स्किन वाले आधा चम्मच डाल सकते हैं, ऑयली स्किन वाले जो है नारियल का तेल बहुत कम डालें। तो देखिए, चेहरा बिल्कुल साफ कर लिया मैंने अपना अच्छे से। और अब मैंने जो ये ब्लीच बनाई है, इसको धीरे धीरे से अपने फेस पर लगाना शुरू करूँगी मैं। ये इसी तरीके की होती है, और इसको ना 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए भी रखना है आपने घोल के। पूरे फेस पर इसको हम फैला लेंगे। इसमें जो दही है मेरा फट गया है, तो आपको ऐसा लगेगा, तो आप घर का दही खट्टा दही लेंगे ना तो वो नहीं फटेगा, ये बिल्कुल ऐसे मलाई की तरह दही होता है ना, आपको पता है। इसी तरीके से लिक्विड ब्लीच ही है ये, और पूरे फेस पर मैं आपको लगा के दिखाती हूँ इसको। 15 से 20 मिनट आप लगे रहने दीजिए, जिस तरीके से आप ब्लीच लगाते हैं अपने फेस पर। तो मैं पूरे फेस पर आपको लगा के दिखाती हूँ। देखिए, मैंने इस तरीके से लिक्विड ब्लीच ही बन जाती है, तो आप इस तरीके से इस लिक्विड को पूरे फेस पर फैला लीजिए, 15 से 20 मिनट तक लगा रहने दीजिए, और बोलिए नहीं बिल्कुल भी।
और जब ये सूख जाएगा तो हम इसको हटा के आपको दिखाएंगे। और ये बहुत ही बढ़िया ब्लीच का काम करती है, कॉफ़ी ब्लीच होती है जो ये, और आप इसे 10 से 15 दिन के बाद यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम जो केमिकल वाली ब्लीच है वो हम महीने में एक बार करवाते हैं ना, तो इसको आप 15-20 दिन के बाद यूज़ कर सकते हैं। और अच्छे से अपनी गर्दन पर भी लगाएं, और जो लिक्विड बच जाए तो उसे अपने हाथों पैरों पर भी लगाएं, तो हाथों पैरों पर भी जो जम जाती है ना टैनिंग वगैरह भी हट जाती है इससे। और बहुत ही अच्छी ब्लीच होती है और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपने ट्राई की तो आपको कैसा लगा। तो चलिए अभी मैं 15-20 मिनट के बाद आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल हमारा फेस जो है टाइट हो जाएगा, तो उसके बाद हम उतार के दिखाएंगे आपको। देखिए लिक्विड सारा सूख गया है और 15 मिनट हो गए हैं, मैं ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, बिल्कुल सूख गया है। और इसको इसी तरीके से हमने उतार देना है साफ़ पानी से, और कुछ भी नहीं करना। तो देखिएगा मैं उतारूंगी अपने चेहरे पर, देखिएगा। और ऑयली स्किन के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया है ब्लीच, और ड्राई स्किन के लिए भी बहुत बढ़िया है कि आप लोग जो है नारियल का तेल डालेंगे ना इससे, तो ड्राई नहीं होगी आपकी स्किन और बहुत ज़्यादा ग्लो आ जाएगा। और देखिए, और घरेलू चीज़ें हमें यूज़ करनी चाहिए, केमिकल वाली चीज़ें जिनको सूट ना करे तो वो प्लीज़ घरेलू चीज़ों का ज़रूर यूज़ कीजिए। और ब्लीच बहुत ही बढ़िया है, और सब चीज़ें मैंने घर से ही निकाली, मैं बाहर से कुछ भी नहीं लेकर आई, देखिए। और बिल्कुल चेहरा इससे एकदम से साफ़ हो जाता है, और आप इस चीज़ को 15-20 दिन के बाद लगा सकते हैं, और कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई खुजली नहीं होगी आपके चेहरे पर, कोई एलर्जी नहीं होगी। बहुत ही बढ़िया ब्लीच का काम करती है ये। कॉफ़ी तो आपको पता है वैसे भी हमारे चेहरे के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। और नींबू को कभी भी डायरेक्ट अपने फेस पर ना लगाएं इस तरीके से, आप मिक्स करके चीज़ों में लगा सकते हैं, तो बहुत अच्छी रेमेडी होती है नींबू से भी जो बनती है। और अगर नींबू किसी की स्किन को सूट ना करे तो वो टमाटर का जूस भी डाल सकता है। तो इस तरीके से देखिए फेस कितना क्लियर हो गया, और एकदम से ग्लो आ जाता है फेस पे। और कहीं पे भी जाना हो तो आप झटपट से ये वाली ब्लीच बनाइए अपने घर पे ही, और फटाफट से कर लीजिए। तो देखिए अच्छे से साफ़ कर ली मैंने, पूरी गर्दन पर भी लगाई थी, और गर्दन भी देखिए साफ़ हो जाती है इससे बिल्कुल। मेरी अधिकतर गर्दन जो है काली रहती है, तो मैं इन चीज़ों का इसीलिए घरेलू चीज़ों का यूज़ करती रहती हूँ, क्योंकि केमिकल वाली चीज़ें भी मुझे भी सूट नहीं करती। और मैं ब्लीच वगैरह आपके सामने बहुत कम करती हूँ, कभी भी साल में एक आधी बार करूँगी, नहीं तो नहीं करती हूँ। तो देखिए अच्छे से मेरा चेहरा बिल्कुल क्लीन हो गया, बिल्कुल पास से भी दिखाती हूँ अपना चेहरा आपको। देखिए जैसे ब्लीच करने के बाद हमारा चेहरा निखर जाता है ना, तो उसी तरीके से बिल्कुल साफ़ चेहरा हो गया। और इसके बाद जो है कोई भी आप मॉइस्चराइज़र क्रीम वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस ब्लीच को, बहुत ही बढ़िया है। आप 15-20 मिनट भी लगाएंगे ना तो इससे और ज़्यादा ग्लो आएगा। तो मैंने सूख गया था मेरा चेहरा, गर्मी है इस समय, तो मैंने 15 मिनट ही लगाया था। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको ये ब्लीच कैसी लगी। तो चलिए मिलती हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो, ब्लॉग, रेसिपी और ब्यूटी टिप्स के साथ। धन्यवाद दोस्तों, बाय, टेक केयर। तो देखिए फेस कितना क्लियर हो गया, और मैंने हल्का सा लोशन लगा लिया अपने फेस पर और हल्की सी लिपस्टिक लगा ली, और फेस देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो आप भी इस होममेड ब्लीच को ज़रूर यूज़ कीजिएगा और बताइएगा आपको कैसी लगी। तो चलिए मिलते हूँ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो, ब्लॉग, रेसिपी और ब्यूटी टिप्स के साथ। धन्यवाद दोस्तों, बाय, टेक केयर।